दोस्तों आज हम मीवी रोम 2 का रिव्यू करेंगे, वो भी इसको 2 साल यूज़ करने के बाद। मैंने इसको लिया था फरवरी 2021 में और अभी मई 2023 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इसको 27 से 28 महीने हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि 1000 के रेंज में इससे बेस्ट कोई स्पीकर होगा। इसका जो मेटेलिक बॉडी है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। यहाँ पे एक बार कुछ गिर गया था, उस वजह से थोड़ा बैंड आ चुका है और बहुत बार गिर जाने की वजह से इस पर स्क्रैचेज आ चुके हैं, बट अभी भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है और डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ स्पीकर है, तो एडवेंचर के लिए तो अच्छा साबित होगा ही सही। इसका जो होल्डिंग स्ट्रेप है वो काफ़ी मजबूत है, आप इसको घुमाओ कुछ भी करो बट कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका जो कॉलिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, बिल्ट इन माइक है और हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए बेस्ट है। तो जिसका साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो साउंड क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने इसको पहले ही कनेक्ट किया हुआ है, एक बार प्ले करके दिखा देते हैं। करने के बाद इसमें हल्का सा डिस्टोर्शन हो रहा है फुल वॉल्यूम पर, बट अच्छा है, आप इसको 90% वॉल्यूम तक यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो सबसे बेस्ट है, इस स्पीकर की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है कि इसका जो 2000 mAh का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा है और मिड वॉल्यूम पर ये 24 घंटे तक चल सकता है, फुल वॉल्यूम पर 5-6 घंटे तक ईजिली चल जाता है। और मुझे तो 5-6 दिन चार्ज लगाने के बाद, मतलब 5-6 दिन बाद ही चार्ज लगाना पड़ता है क्योंकि इसका जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छा है। तो अच्छा स्पीकर है एंड इसका जो चार्जिंग केबल और ऑक्स केबल का जो पॉइंट है, तो चार्जिंग केबल इतना एवरेज है कि इतना ठीक नहीं लगा चार्जिंग केबल, और ऑक्स केबल मैंने कभी यूज़ मतलब ऑलमोस्ट यूज़ किया नहीं है क्योंकि इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.0 है, तो ब्लूटूथ ही यूज़ करना होता है। इन हैंड इसका वेट है 204 ग्राम और 1 साल का वारंटी था, तो मुझे तो 2 साल हो चुके हैं। और सबसे बेस्ट बात इस स्पीकर की है कि ये मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया कंपनी का इतना सबसे बेस्ट स्पीकर है कि और जो फॉरेनर कंपनीज़ होती है वो भी 1000 में इतना कुछ प्रोवाइड नहीं करवाएगी, तो आप इसे बिना सोचे समझे ले सकते हैं। और JBL कंपनीज़ और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है वो इतने सारे क्वालिटीज़ एंड स्पेसिफिकेशंस किसी स्पीकर में 2500 या 3000 से ज़्यादा के रेंज में, इसी रेंज में देते हैं, और ये 1000 में इतना कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप इसे बिना सोचे समझे बिना झिझक के ले सकते हैं। ओके, और आई टोटली लव्ड इट। थैंक्स दोस्तों, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था।